भक्तिमय भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल भक्ति गंगा। नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बोलिए राम दूत अंजनी लाला श्री हनुमान जी की। भक्त जनों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड में श्री हनुमान जी की अनेकानेक पराक्रम लीलाओं का वर्णन है, परंतु आज मैं आपको उनके बालापन की पराक्रम की वो पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको ज्ञात हो जाएगा कि बजरंग बली का नाम हनुमान कैसे पड़ा। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा, एक बार फिर मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए बजरंग बली भगवान की, बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान। कौतुक देखा सृष्टि ने फिर, कौतुक देखा सृष्टि ने फिर, सारे थे हैरान, सारे थे हैरान। सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान। एक समय की बात है भक्तों, बाल मारुति एक दिन सुबह सुबह जल्दी उठ गए, क्योंकि उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। माता अंजनी को यहाँ वहाँ ढूंढा तो माँ कहीं नजर नहीं आई। तभी उनकी दृष्टि उगते हुए सूर्य पर पड़ गई। भक्तों, नारंगी रंग के उगते सूर्य को देखा तो उसे मीठा फल जाना, और मारुति उसे खाने के लिए उद्यत हो गए और खिड़की से ही एक जोर से छलांग मारी और उड़ चले सूर्य को खाने के लिए। सारी सृष्टि बाल मारुति के इस कौतुक को देख रही है कि तभी क्या क्या होता है, आइए आपको बताता हूं। मारी छलांग थी मारुति ने, सूर्य को खाने आए थे, राहु के तू रोकने आए, तुमको रोक न पाए थे। दांतों तले तो उंगली दबाकर सृष्टि कौतुक देख रही, पवन वेग से उड़े मारुति अब क्या होगा सोच रही। सूर्य देव भी देख देख के होते हैं हैरान, होते हैं हैरान। सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान। सूर्य का अधिक तेज भी बाल मारुति को रोक नहीं पा रहा था। भक्तों, पलक झपकते ही मारुति सूर्य के निकट पहुंच गए, दोनों हाथ से उन्हें पकड़ा और मुख में डाल लिया। सारी सृष्टि में अंधियारा छा गया। भक्तों, चहुं ओर हाहाकार मच गया, सभी देवी देवता बाल मारुति के सन्मुख आए और तरह तरह से उन्हें समझाने लगे कि सूर्य देव को मुक्त कीजिए, परंतु बाल मारुति थे कि ऐसा कर ही नहीं रहे थे।
इस पर इंद्रदेव को भारी क्रोध चढ़ाया। भक्तों, उन्होंने अपने वज्र का प्रहार मारुति की हनु अर्थात थोड़ी पर किया। वज्र प्रहार से मारुति मूर्छित होकर धरा पर गिर गए, परंतु सूर्य देव तो अभी भी उनके मुख में ही थे। चूंकि मारुति पवन पुत्र भी थे, और जब पवन देव को ये ज्ञात हुआ कि वज्र प्रहार से मारुति मूर्छित है, वो तुरंत वहां पर आए, मारुति को मूर्छित देखा और क्रोध में आ गए। आते ही उन्होंने इस संसार की प्राणवायु रोक दी। भक्तों, भूमि गिरे मारुति देखे पवन देव घबराए थे, मूर्छित हो गया पुत्र तो मेरा भारी क्रोध में आए थे। क्रोध के वश में आके उन्होंने प्राण वायु भी रोकी थी। सृष्टि पर भारी संकट था, प्राण वायु बिल्कुल ना थी। मुश्किल में सब आ गए भक्तों, मुश्किल में सब आ गए भक्तों। सृष्टि के थे प्राण, सृष्टि के थे प्राण। सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान। सृष्टि पर आए प्राणों के संकट को देख सभी देवी देवता त्रिदेवों की शरण में आए और पवन देव को समझाने के लिए कहने लगे। त्रिदेवों ने मिलकर पवन देव को समझाया तो उनका क्रोध भी शांत होने लगा और इधर मारुति की तंद्रा भी वापस आने लगी। सबकी सांस में सांस आई। पवन देव ने सारी सृष्टि में प्राण वायु का संचार वापस छोड़ दिया। पवन देव के समझाने पर मारुति ने सूर्य देव को अपने मुख से मुक्त कर दिया, परंतु मारुति की हनु अर्थात थोड़ी वज्र प्रहार से टूट गई थी। सो ब्रह्मा जी ने उनका नाम हनुमान का दे दिया। अन्य देवी देवता भी हनुमान के सन्मुख आए और उन्हें क्या क्या वरदान, क्या क्या शक्तियां प्रदान की, आइए सुनाता हूँ। सूर्य देव को मुक्त किया था, अपना गुरु बनाया था। सूर्य देव ने तेज को अपने हनुमत को तो थमाया था। ब्रह्मा जी ने वेदों का सब हनुमान को ज्ञान दिया। सरस्वती ने विद्या दीनी नारद गायन ज्ञान दिया। हनुमान ने पाए भक्तों, हनुमान ने पाए भक्तों। देवों से वरदान, देवों से वरदान। सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान। त्रिदेवों ने भी हनुमान जी को अनेकानेक वरदान और अलौकिक शक्तियां प्रदान की, क्योंकि वे तो जानते ही थे कि ये समस्त शक्तियां वो आने वाले कालांतर समय में प्रभु राम की सेवा में खर्च करेंगे। पवन देव हनुमान को सुरक्षित अंजनी महलों में वापस ले आए। तत्पश्चात हनुमान जी किस तरह से कालांतर में अपने प्रभु राम के समस्त काज बनाते रहे और सारी सृष्टि में सबसे बड़े राम भक्त के रूप में कहलाए, तो एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिए, बोलिए परम राम भक्त श्री हनुमान जी की, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की।
देवों से शक्तियां पाई थी, लौट महल को आए थे। कालांतर में अपने प्रभु के सगरे काज बनाए थे, राम नाम का चंदन हनुमत अपने तन पे लगाए थे, चरणों की धूली से उनके चंदन तिलक लगाए थे। राम भगत कोई दूजा नहीं है, राम भगत कोई दूजा नहीं है, तुमसे बड़ा हनुमान, तुमसे बड़ा हनुमान। सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान, सूर्य को खाने चले बलवान।